शिमला से बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। पहले डीसी और एसपी कॉन्फ्रेंस राज्य सचिवालय में जारी है यहां, और डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये रिपोर्ट रिलीज की। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कांगड़ा को पहला स्थान मिला है, हमीरपुर को दूसरा और लाहौल स्पीति को तीसरा स्थान मिला है। कांगड़ा डीसी को इस हवाले से 50 लाख, हमीरपुर डीसी को 35 लाख का पुरस्कार और लाहौल स्पीति डीसी राहुल कुमार को 25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। बुनियादा ढांचा, मानव विकास, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरक्षण, महिलाओं बच्चों समेत 8 विषयों पर रैंकिंग आधारित है। तो 10 महीने बाद हम इस मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं। पूरा फीडबैक जिलों का लिया जा रहा है, किस फ्रेमवर्क में डीसी काम करेंगे, एसपी काम करेंगे, उस सारी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद अगली रणनीति। इसलिए हमारी एक रूटीन मीटिंग होती है सरकार बनने के बाद, तो 10 महीने बाद हम इस मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं। पूरा फीडबैक जिलों का लिया जा रहा है, किस फ्रेमवर्क में डीसी काम करेंगे, एसपी काम करेंगे, उस सारी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद अगली रणनीति बनाई जाएगी। हमारे साथ ही और ब्यूरो हेड शिमला से प्रदीप ठाकुर इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, डीसीएसपी कॉन्फ्रेंस जारी है शिमला में और इसके लिए रैंकिंग दी गई है अलग अलग जिलों को गुड गवर्नेंस के हवाले से। ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है सरकार की तरफ से, ताकि हौसला मिले ब्यूरोक्रेसी को भी और उनके मातहत काम करने वाले लोगों को भी कि किस तरह से चीजों को संभाला जाता है। जरा तफसील से बताइए इस कॉन्फ्रेंस के बारे में प्रदीप। बिल्कुल, देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार बनने के बाद ये पहली डीसीएसपी कॉन्फ्रेंस हो रही है, और अमूमन इस तरह की बैठकें जो है, जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है, कोई सरकार सत्ता में होती है, तो वो डीसीएसपी के साथ इस तरह की कॉन्फ्रेंस करती है, इस तरह की बैठकें होती है। इसमें क्योंकि जिलों का काफी रोल रहता है किसी भी सरकार को की सफलता को लेकर, और जिस तरह से अगर जिलों में डीसीएसपी की भूमिका की बात करें तो सरकार की जो योजनाएं हैं, उनके फ्लैगशिप कार्यक्रम है, सरकार की घोषणाएं हैं, वो समयबद्ध तरीके से जनता के बीच में पहुंचे और उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो, ये एक जिम्मा जो है डीसीएसपी का रहता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी हो, लोगों के का सामाजिक सुधार हो और एक अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचे, तो ये एक बड़ा जिम्मा जिला प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं, जिला के जो अधिकारी होते हैं उपायुक्त होते हैं, उनको ये जिम्मा रहता है। और इसी तरह से कानून व्यवस्था की बात करें तो वो एसपी के जिम्मे रहता है। तो उससे जुड़ी ये बैठक है, सरकार का इस वक्त विजन क्या है आने वाले समय के लिए। जिस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार कहते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने वाले हैं, 4 साल में व्यवस्था को ठीक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे इस प्रदेश को, फिर से एक बार विकसित राज्यों में इस ये राज्य शुमार हो, ऐसी हमारा प्रयास रहेगा। तो ये जो अपना विजन है वो कहीं ना कहीं डीसीएसपी को यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देंगे। और आज जो जिन जिलों ने अच्छा काम किया है उनकी रैंकिंग भी जारी हुई है, और उसमें जो गुड गवर्नेंस रैंकिंग है जिला की, वो जारी की गई है। और उसमें 3 जिले जिस तरह से कांगड़ा जो प्रथम स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर हमीरपुर और तीसरे स्थान पर लाहौल स्पीति रहा है। हालांकि शिमला का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, अगर कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो बाकी चीजों में वो अंतिम पायदान पर है, लेकिन कुछ और जिले उन्होंने में अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर काम किया है, लेकिन ओवरऑल इन 3 जिलों का अच्छा काम रहा है। और यहाँ पर सम्मानित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन 3 जिलों के डीसी को किया है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो डीसी हैं, उनके भीतर एक प्रतियोगिता की भावना रहे कि अपने जिले में हमने अच्छा काम करना है और लोगों के सामाजिक सुधार के लिए अच्छा काम करना है। इसके साथ साथ रोजगार की बात करें, जो बच्चे और महिलाएं हैं उनसे जुड़े जो विषय हैं उनके लिए अच्छा काम करके दिखाना है, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े जो मुद्दे रहते हैं। तो ये कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे विषय थे और उसमें प्रमुख जो 8 विषय थे उनको आधार बनाकर जो अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग है उसने ये रैंकिंग जारी की है और आज उनको सम्मानित भी किया गया है। हालांकि इसके साथ साथ बाकी भी कुछ महत्वपूर्ण विषय इसमें डिस्कस होने हैं, उनको लेकर मुख्यमंत्री ने भी जानकारी जो है डीसीएसपी को देनी है। और उसके बाद जब ये बैठक लगभग शाम 4 से 5 बजे तक चलेगी, उसके बाद अंतिम निचोड़ इसमें क्या निकलता है वो देखने वाली बात होगी। जी शुक्रिया प्रदीप आपका इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।